बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि 6 अक्टूबर फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरह मूव कर सकती है। आज बड़ी न्यूज़ हैं और बड़ी न्यूज़ में एवरेजली आवरली इनकम है और उसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। NFP इसको सारा कहते हैं, तो बड़ी न्यूज़ है। इस न्यूज़ के ऊपर मार्केट जो है वो अपना अगला पाथ सेट करती है, तो इसलिए इस न्यूज़ के ऊपर आप बड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो मार्केट में एक हलचल मचाएगी और मार्केट का एक अगला रुख मुतय्यन करेगी कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट कहाँ पे जा सकती है। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज बड़ी न्यूज़ है, बड़ा दिन है, बड़ा प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को गेन करने के लिए आइए, हमें ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ कदम बाय कदम चलिए ताकि आप प्रॉफिट वाली साइड पर आ सकें। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पहले हो चुका है तो उसके ऊपर ही ये मुनसिर होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का फ़र्क पड़ेगा। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ और देखते हैं हमारा गोल्ड आज के दिन में किस तरह मूव कर सकता है और हमने कौन सी डायरेक्शन लेनी है गोल्ड में, जो मैं वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। डे के चार्ट के ऊपर हूँ और डे के चार्ट के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। कल मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया, बल्कि नए हाई के बजाय मार्केट ने नया लो लगा दिया। यहाँ पे अगर आप इस एरिया के दरमियान में देखें तो मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया बल्कि नया लो लगा कर उसके दरमियान में मार्केट मूव कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, इस पर हम जरूर देखते हैं अभी कि मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है और हमने मार्केट में किस साइड पर अपनी ट्रेड लेनी है। तो अगर ये वाला जो सा पॉइंट आपको नहीं मिलता, ये जो कल मार्केट ने तोड़ा है 1813, अगर मार्केट दोबारा इसको टेस्ट नहीं करती, अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो फिर आप इसमें बाय में रहेंगे। डेफिनेटली हम लोग आप इसमें बाय में रहेंगे क्योंकि ये जो तीन कैंडल्स मार्केट ने बनाई हैं और बड़ी छोटी कैंडल्स बनाई हैं, 1, 2, 3, ये आमतौर पर बुलिश साइन होता है, ये आमतौर पर मार्केट के लिए बुलिश साइन होता है। इसको 3 साउथ भी कहते हैं कि जब साउथ की तरफ 3 आपकी इस तरह कैंडल बनती हैं, अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज NFP का डेटा है और उसके साथ मार्केट के पास एक अच्छी सपोर्ट है 1809 की, तो डेफिनेटली मार्केट में वेट कीजिएगा क्योंकि यहाँ से मार्केट अपसाइड पे आपको 1830 ये वाला लेवल, उसके बाद 1850 और जो हमने आपको बताया था 1860, यहाँ तक मार्केट आपको लेके आ सकती है। और अगर मार्केट यहाँ तक आती है इन लेवल्स के ऊपर तो फिर यहाँ से सेल बन के मार्केट दोबारा इस रेंज में घूम सकती है, इस रेंज के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ से उठी थी और यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉटम भी आपका बनता हुआ नज़र आएगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो यहाँ पे मार्केट में सेलिंग नहीं बनती, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है 1813 के करीब तो यहाँ से आप बाय की एंट्री लेकर ऊपर जा सकते हैं। आज एक मेन डेटा भी NFP का, उसका वेट करेंगे और NFP के डेटा के ऊपर जाके अपनी ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह ये हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर फर्ज करें कि अभी भी मार्केट नहीं रुकती, 1809 को तोड़ती है तो अगला लेवल आपके पास 1793 का होगा, लेकिन ये भी बाइंग लेवल होगा। यहाँ पे मार्केट में सेलिंग नहीं बनती, यहाँ पे मार्केट में हर लेवल पे बाइंग बनती है। अगर एक अदर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसको हौसले के साथ बर्दाश्त कीजिएगा और उसके बाद मार्केट में एंट्री लीजिएगा। अब चलते हैं ऑयल की तरफ और देखते हैं हमारा ऑयल आज के दिन में किस तरह मूव कर सकता है और हमने अपने ऑयल में एंट्री किस तरह लेनी है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, ऑयल ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, बल्कि मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया था ऑयल के अंदर। कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ जाती है, इससे नीचे आती है तो हम लोग 81.79 यानी कि 80.79 81 को देखेंगे। मैंने आपको कल बताया था इसमें $1 का फ़र्क आ रहा है, मैं कल से कोशिश करूंगा कि आपको एक्चुअल चार्ट पे लेके चलूं, लेकिन आप $1 का फ़र्क इसमें रखिएगा। इस वक्त मार्केट 81.77 पे चल रही है और यहाँ पे 82.77 शो हो रहा है। एक डिफरेंस है जो ट्रेडिंग व्यू का मार्केट में आपको होता हुआ नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बाय में रहेंगे क्योंकि मार्केट अपनी सॉलिड जोन से उसके ऊपर आ गई 81.75 पे, तो 81 के करीब आती है तो हम बाय करेंगे, तो आप 84 तक इसमें जा सकते हैं। अगर वर्स कम टू वर्स इसको तोड़ जाती है तो 79.80 और 77.84 ये मार्केट के पास अगले लेवल होंगे, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। ये हमारा व्यू था आज का ऑयल का, और गोल्ड का भी मैंने आपको तफसीलन बता दिया। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक आईबी का लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसमें जो भी डिपॉजिट करवाना है वो करवा के आप हमें स्क्रीनशॉट भिजवा दें, हम आपको शामिल कर लेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।